टू द सबकी साइकोलॉजी जो है वो डिफरेंट है अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टांसेस. बायोलॉजिकल उसमें काउंट होता है, एनवायरमेंटल हमारा सराउंडिंग काउंट होता है, हमारी इंटरनल है जो फीलिंग्स उसके अकॉर्डिंग हमारी साइकोलॉजी जो है वो डिफरेंट होती है. इट मीन्स साइकोलॉजी इज डिफरेंट फ्रॉम पर्सन टू पर्सन एंड अकॉर्डिंग टू द प्रोफेशंस आल्सो. ठीक है, जो प्रोफेशन है वो भी उसमें भी थॉट प्रोसेस या थिंकिंग वे हर एक का अलग अलग होता है. ठीक है, एक प्लेयर का अलग होगा, एक टीचिंग प्रोफेशन का अलग होगा, एक आईटी प्रोफेशन वाले का थिंकिंग या मेंटल वे जो है वो अलग होगा, इवन दो अगर स्टार्टिंग में एक जैसा. अब है हमारे पास कि कहाँ पर फर्क पड़ता है, जहां पर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में फर्क. ग्रोथ जो है वो ऑलमोस्ट सबकी एक जैसी होती है, इन द सेंस कि फिजिकल जो चेंजेस हैं या हमारी जो हाइट वेट वगैरह ये अप टू सम एक्सटेंट एट सम एज द डिफरेंसेस जो है वो आते हैं, वो सेम ही होते हैं. ठीक है ना, हम देखते हैं कि जो छोटे बच्चे हैं नर्सरी के उनकी हाइट जल्दी बढ़ती है, या जो दूसरे हैं उनकी हाइट जो है वो किस तरीके से, छोटे बच्चों की हाइट एकदम से गेन होती है और उसके बाद थोड़ा सा पॉज आने के बाद धीरे धीरे बढ़नी शुरू हो जाती है. या कई बार हम ये भी देखते हैं कि कई स्पेशली बॉयज हम कहते हैं अरे ये टेंथ में है, स्टिल ही इज नॉट सीम्स टू बी इन अ सेम क्लास. लेकिन वेकेशन के बाद जब अगर वो बच्चा या आफ्टर सम गैप व्हेन वी सी तो उसमें बहुत सारी चेंजेस आई होती हैं इवन. और डेवलपमेंट के अंदर जो है वो लाइफ लॉन्ग है बेटा, उसमें बर्थ से लेकर लास्ट ब्रीथ तक हमारी जो है वो डेवलपमेंट होती रहती है, जबकि ग्रोथ जो है दैट इज लिमिटेड एंड इट इज विजिबल, वेयर एज डेवलपमेंट इज इनविजिबल. ये हमारे मानसिक तौर पर हम किस तरीके से कार्य को करते हैं उस पर डिपेंड करता है. ठीक है ना बेटा. अब ये है हमारी नॉर्मली साइकोलॉजी और ग्रोथ का. अब ग्रोथ के अंडर आता है कि हमारी अलग अलग स्टेजेस होती हैं, जैसे चाइल्डहुड में ही काफ़ी डिफरेंट हैं. ठीक है, जीरो से लेकर पैदा होने से लेकर दो साल के बच्चे की एक्टिविटीज जो हैं या अलग होती हैं जिसके कारण उसकी ग्रोथ में अलग डिफरेंस आता है, या दो साल से लेकर छः साल के बच्चे में, या छः से लेकर ग्यारह बारह साल के बच्चे के लिए, या फिर तेरह साल से लेकर जो उन्नीस साल या बीस साल के बच्चों का है, और उसके बाद जो एडल्ट में आ जाते हैं उनमें अलग अलग स्टेजेस होती हैं जिसमें डिफरेंसेस हमें नजर आते हैं. ठीक है ना बेटा. जो अर्ली चाइल्डहुड के या दो से जीरो से लेकर या पैदा होने से दो साल तक की उम्र के जो बच्चे होते हैं उनका हमने देखा है कि उनकी जो ग्रॉस मोटर एबिलिटी है वो ज़्यादा स्ट्रांग नहीं, उनकी ग्रॉस वाली ज़्यादा स्ट्रांग होती है, और धीरे धीरे एज के साथ साथ उनकी फाइन मोटर्स जो है डेवलपमेंट वो होती है. ठीक है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन या बैलेंसिंग वे या थॉट प्रोसेस उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं. छोटे बच्चे जो हैं उनके लिए सिर्फ खाना और एक्टिविटी में रोना, टू मीट देयर डिमांड्स दे क्राई. ठीक है ना, उसके लिए वो रोकर अपनी चीजों को लेते हैं बिकॉज दे आर नॉट एबल टू स्पीक इन अ प्रॉपर मैनर. ठीक है, छोटा बच्चा नहीं बोल सकता. धीरे धीरे ग्रोथ के साथ साथ और अपनी सराउंडिंग से वो काफी चीजें ग्रास्प कर लेता है. ठीक है ना, और मैंने जैसे आपको एक बार बताया भी था डेफिनम का कि जो हम सुनते हैं वही हम बोलते हैं. ठीक है, वी ट्राई टू स्पीक द सेम थिंग्स, और ये होता है हमारे एटमॉस्फेयर का असर. जब हम कहते हैं ना अ पर्सन वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, इट मीन्स उसके सराउंडिंग का, उसके एनवायरमेंट का उस पर कैसा इम्पैक्ट होता है. ठीक है, हम इसीलिए कहते हैं घर की सराउंडिंग जो है या घर का माहौल जो है, एनवायरनमेंट जो है वो बहुत ही कूल होना चाहिए, जिसमें बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट बहुत ही अच्छी होनी चाहिए. ठीक है, आम घरों में या जनरली, दिस इज नॉट फॉर एनीवन, जो भी मेरे एग्जांपल्स होते हैं मैंने तुम्हें पहले भी, दिस इज नॉट रिलेटेड टू एनीवन, दीज आर द एग्जांपल्स कलेक्टिंग फ्रॉम द सर्वे या फिर इतने साल के जो हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं उसके थ्रू हम देते हैं.
ठीक है ना बेटा। अब नॉर्मली अगर देखा जाए कि आम घरों में या मैक्सिमम परसेंटेजेस ऑफ जो घर हैं जहां पर बच्चों की ग्रोथ होती है, वहां पर क्या होता है, सुबह के टाइम अगर बुजुर्ग या जॉइंट फैमिली में हम रहते हैं तो हम काफी सारी क्वालिटीज डिफरेंट जो है उसे ग्रेस्प करते हैं एज कम्पेयर टू द न्यूक्लियर फैमिलीज। ठीक है, इसमें ये नहीं है कि जॉइंट फैमिली में आई एम नॉट सपोर्टिंग एनीथिंग, आई एम जस्ट गिविंग यू द एग्जाम्पल। मैं तुम्हें एग्जाम्पल्स दे रही हूँ बेटे, और कुछ नहीं। ऐसा ना हो कि कल आप बोलो कि नहीं मैडम ने इस चीज पर स्ट्रेस किया, नो नॉट लाइक दैट। ठीक है, हम जनरली देखते हैं जहां पर आम 75-80% ऑफ रूम जो होते हैं वहां पर सुबह के टाइम गुड म्यूजिक और प्रेयर्स वगैरह कंटिन्यू होती हैं, साइलेंट होता है, अपने अपने काम सारे कर देते हैं या कुछ। और कुछ माहौल ऐसा भी होता है जहां पर जो है सुबह सुबह बहुत सारा शोर या अब्यूजिव लैंग्वेजेस या यूजिंग और ड्यू टू सम अदर और कोई भी रीजन जो है वो घर का, तो इसके इम्पैक्ट्स बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट पर बहुत पड़ता है। ठीक है, इसी तरीके से अगर सपोर्ट हमें सोशल सपोर्ट या हमारी बेसिक इंस्टिंक्ट और एक्सटर्नल इंस्टिंक्ट दोनों मिल जाए तो हम कई बार बहुत अच्छी चीजें भी करते हैं। ठीक है, दैट्स व्हाई यूजुअली पीपल से कि जब बच्चा या कोई भी व्यक्ति बात करता है यू कैन इजिली कलेक्ट द इंफॉर्मेशन और यू विल कम टू नो द पैटर्न। ठीक है, ये है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। फिर एक्टिविटीज हैं, एक्टिविटीज जो है वो बच्चा किस तरीके से करता है बेटा। ठीक है, 1-2 साल से 6 साल के बच्चे जो हैं हमने देखे ही हैं जो हमारे स्कूल में नर्सरी एलकेजी यूकेजी में आते हैं, उनकी रनिंग, कैच करने का, दौड़ने का या बैठने का या लिखने का हर एक स्टाइल ऑलमोस्ट सब बच्चों का, रेयर केसेस आर ऑलवेज देयर एवरीवेयर इन एवरी स्टेजेस, लेकिन हर एक की एक्टिविटी ऑलमोस्ट सेम होती है। तभी उन्हें जब फिजिकल एक्टिविटीज या कुछ करवाया जाता है तो वो सेम तरीके के हर बच्चे के लिए करवाई जाती है। ठीक है, उसके बाद के स्टेजेस में आते आते तक बच्चे की मोटर प्लस फाइन डेवलपमेंट जो है, मोटर डेवलपमेंट जो है वो अच्छे से हो जाती है और वो डिफरेंट टाइप ऑफ मेजर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करना शुरू कर देता है। ठीक है बेटा, लेकिन इसमें हमें हेल्प चाहिए होती है हमारे एनवायरमेंट की। मैंने पीछे ही सुना था पृथ्वी शाह का, क्रिकेटर, यंगेस्ट क्रिकेटर, हाँ, कि उसके फादर ने उसको प्रैक्टिस के लिए स्टेडियम में लेके कब शुरू किया है जाना, व्हेन ही वाज अ 3 इयर्स ओल्ड। ठीक है ना बेटे, ये नहीं कि उस टाइम उसकी एक्टिविटीज बहुत या वो बैट पकड़, लेकिन उसे उस एनवायरमेंट से अवेयर करवाना, चीजों से अवेयर करवाना और प्रैक्टिस करवानी शुरू कर दी, जो धीरे धीरे उसके ग्रोथ और डेवलपमेंट में या उसके प्रोसेस में माइंड में रहा कि उसने एक अच्छा क्रिकेटर बनना है। ठीक है ना बेटा, और इस टाइम उसके रिकॉर्ड्स हैं एज यू ऑल नो। ये क्या है, प्लेयर का या एथलीट का, स्पोर्ट्स, क्योंकि हम फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड हैं, हम उसके एग्जांपल, अदरवाइज हर चीज के हैं, साइंटिस्ट है या कोई भी है, यहाँ पर क्या है, उनकी मोटिवेशंस हैं, उनकी एक्टिविटीज हैं, उनके टाइम बाउंड है, टाइम मैनेजमेंट के द्वारा काम को किया जाना होता है। ठीक है बेटा, उसके बाद आती हैं स्टेजेस जहां पर हम ये फिजिकल एक्टिविटीज सीख लेते हैं। उसके बाद ये हमारी आती है एडोलसेंट, जिसे हम टीनेज के नाम से बहुत ज्यादा आसानी से समझ जाते हैं, रनिंग थ्रू द सेम करेक्टर यू पीपल आर। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारी डेवलपमेंट और ग्रोथ में एक अलग तरीके की चेंजेस आनी शुरू हो जाती है, स्पेशली इन द मेल एंड फीमेल, वेयर द बॉडी, योर बॉडी एंड योर माइंड इज नॉट इन अ बैलेंसिंग पोजिशन। वो इस चीज को एक्सेप्ट या इस चीज को कैसे फील करते हैं, दैट इज लिटिल बिट डिफरेंट। ठीक है बेटा, इसीलिए एक्टिविटीज जो है वो भी इनकी डिफरेंट हो जाती है। यहाँ पर ये साइकोलॉजिकली फिजियोलॉजिकली डिफरेंट होने के कारण इनके बिहेवियर में काफ़ी चेंजेस आने शुरू हो जाती हैं। कुछ चीज़ें जो हैं
जिनके सेट गोल्स जो है सेट होते हैं, दे आर फोकसिंग ऑन द सेम थिंग, लेकिन कुछ में डिस्ट्रैक्शंस आ जाते हैं एंड दे इंक्लाइन टूवर्ड्स द डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग्स। ठीक है बेटा, इसके कारण हमारे जो मोटिव, हमारा जो गोल है, उसकी तरफ हमारा ध्यान हट जाता है और इसके कारण हमें कई बार नुकसान भी उठाना पड़ता है। दे स्टार्टिंग हाइडिंग द थिंग्स, देयर टॉक्स आर डिफरेंट, देयर इंटरेस्ट आर डिफरेंट होने शुरू हो जाते हैं एंड दे आर हाइडिंग में यहाँ पर आता है कि उसे चाहे हम बहाना कह दें, चाहे झूठ कह दें, चाहे कुछ भी, ठीक है, वो बहुत आसानी से हो जाता है। पेरेंट्स से भी, टीचर से भी, अपने कोच से भी अलग अलग बिहेवियर उनका होना, ईगो जो है वो बहुत टॉप पे हो जाती है, एग्रेसिवनेस उनमें बहुत होती है, ईटिंग के लिए जो प्रोसेस है वो उनके डिफरेंट हो जाते हैं, टू अट्रैक्ट अदर्स में एक क्वालिटीज और बढ़ जाती है। दिस इज द मेनली प्रॉब्लम ऑफ द टीनेजर्स और एडोलेसेंट, जहाँ पर मैनेजमेंट ऑफ पेरेंट्स, टीचर्स, कोचेस का बहुत जरूरी होता है। हाउ दे कैन इन्वॉल्व देम इन अ प्रोडक्टिविटी एक्टिविटी में, किस तरीके से उनको इन्वॉल्व किया जाए ताकि उनके डिस्ट्रक्शंस जो हैं वो लेस रहें, क्योंकि उन्हें यही होता है हमें सब कुछ पता है। ईगो प्लस एटीट्यूड जो है वो डिफरेंस होता है, फैशन की तरफ ज्यादा है, हीरोज या टॉप चीजें जो होती हैं उनकी तरफ होना, डिमांडिंग नेचर का हो जाना फॉर सम टाइम्स, ये सारी चीजें उनमें आती हैं जिसके कारण उनका जो गोल है वो कई बार पीछे रह जाता है। ठीक है, और टाइम मैनेजमेंट पेरेंट्स को जो है उन पर मॉनिटरिंग करनी बहुत ही जरूरी होती है, जो उन्हें सबसे ज्यादा इरिटेट करती है। टीचर की मॉनिटरिंग उन्हें बहुत ज्यादा, टीचर का मतलब यहाँ पे क्लास टीचर से नहीं या स्कूल में पढ़ाने वाले टीचर्स नहीं, दोस्त हु आर गिविंग देम अ नॉलेज, ठीक है, वो सारे ही टीचर होते हैं जिनसे अभी अगर हम आपसे चाहिए तो आप भी हमारे टीचर हैं एक तरीके से, बिकॉज यू आर टीचिंग अस एनीथिंग। वहां पर क्या होता है, प्रॉब्लम्स जो है इनको वो बहुत ज्यादा आती हैं, फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स रहने रहती हैं, डिमांडिंग इनकी नेचर होती है, हर चीज पे एग्रेसिवनेस, गुस्सा आना कि मैडम ने या पेरेंट्स ने सबके सामने या मेरे फ्रेंड्स के सामने क्यों ऐसी बात कही, प्रीयर प्रेशर बहुत रहता है दोस्तों का या अपनी एज ग्रुप के बंदों का, जो प्रेशर है वो भी इन पर बहुत ज्यादा होता है कि ही इज डूइंग लाइक दैट आई हैव टू, मैं ये कर सकता हूँ नहीं तो मेरा मजाक बनेगा, ये सारी चीजें जो हैं ये नॉर्मली प्रोवाइड की जाती हैं। अब यहाँ पर रोल है पेरेंट्स का नॉट ओनली मॉनिटरिंग, सिर्फ ध्यान देना नहीं, क्योंकि बच्चे हाइड करना बहुत आसानी से इस एज में जानते हैं, ये प्रॉब्लम्स, एडोलेसेंट प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा फेस की जाती हैं, अलग अलग चीज़ों को इनटेक करना, और इसका हमें लाइफ लॉन्ग जो है वो बहुत ही ज़्यादा नुकसान होता है। तो वहाँ पर हमारी ये जो फिजिकल एक्टिविटीज़ हैं ये बहुत अच्छा रोल प्ले करती हैं, ठीक है ना बेटा, ये फिजिकल एक्टिविटीज़ जो हैं वो हमारी फिजिकल एक्टिविटीज क्या है? रनिंग, ओके, अगर कोई पूछे काव्य ने बताया बेटे, ठीक है, एनीवन एल्स, व्हाट आर फिजिकल एक्टिविटीज? जॉगिंग, ओके, और फिजिकल एक्टिविटीज बेटे सारी हमारी वो एक्टिविटी जो हमारी यूज करती है एनर्जी को,
ठीक है, जो एग्जॉस्ट करती हैं हमारी एक्टिविटी को, एनीथिंग दैट रिक्वायर मूवमेंट्स ऑफ बॉडी, यस ना, बॉडी का कोई भी मूवमेंट जिससे हमारी एनर्जी जो है वो यूज होती हो और आउटपुट मिलता हो, वो सारी फिजिकल एक्टिविटीज में आती है। फिजिकल एक्टिविटीज का मतलब सिर्फ ये जो नहीं है कि हमने रनिंग कर ली या हमने डांस कर लिया, हमारे जो पेरेंट्स हैं और we all are doing every type of movements help with the help of our skeletal system, ठीक है ना, जो जो एक्टिविटीज हम करते हैं, बैठना, सोना, देखना, चलना, ठीक है, बोलना, सारी फिजिकल एक्टिविटीज में आते हैं। आपके मम्मी जो है इतनी ज्यादा फिजिकल एक्टिविटीज करती हैं, घर का खाना बनाना, कपड़े धोना, सफाई का काम, इधर से उधर मूवमेंट, सब चीजों को मैनेज करना, मॉर्निंग में करना या इवनिंग में, और दो वर्क सर्विस क्लास है ना, तो ये क्या है, ये फिजिकल एक्टिविटीज है। सिर्फ बाहर जाकर रनिंग करना फिजिकल एक्टिविटीज नहीं है, जहाँ पर हमारी हर एक बॉडी का मूवमेंट होता है उसे हम फिजिकल एक्टिविटीज में लाते हैं। फिजिकल एक्टिविटीज जो है उसके इन्वॉल्वमेंट से हमारी दूसरी तरीके की इन्वॉल्वमेंट जो है वो रिड्यूस हो जाती है, हमारी डिस्ट्रेक्शंस जो है वो कम हो जाती है, और हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स जो है बेटा वो क्या है, स्मूथ वर्किंग में होने लग जाते हैं, वी गेट द फ्रेश थिंग्स, और हमारी कंपनी जो हमें साइट की मिलती है ड्यूरिंग फिजिकल एक्टिविटी या जो हमारे इंटरेस्ट हैं वो चेंज हो जाते हैं, और इसके कारण हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व होनी शुरू हो जाती हैं, ठीक है। इसलिए फिजिकल एक्टिविटीज करना बहुत जरूरी है। आप आजकल देख लो आपकी लाइफ मोनोटोनस है या हमारी चलो घर जाके होती है, ठीक है, या इन दीज डेज दो साल से लाइफ जो है वो स्टीरियोटाइप हो रखी है, एक जैसे ही है। सुबह अगर आपका है सुबह उठना, कई बार इस टाइम पे उठना या क्लास लगने के टाइम पे उठना है या ट्यूशन पे, मेंटल प्रेशर है, स्ट्रेस है, पर फिजिकल एक्टिविटी नहीं है। सारा दिन बिस्तरे पर या हम क्या है बैठे रहते हैं एंड वी आर नॉट फीलिंग टू डू द वर्क, कि मैंने अभी मेंटल मेरे को ये काम हुआ है, मैंने ये किया है, और एक रियलिटी ये होती है कि ना तुम मेंटल प्रेशर देते हो ना ही तुम फिजिकल एक्टिविटी। फिजिकल एक्टिविटी इस स्टेज पे, जब हम इस पेंडेमिक से गुजर रहे हैं, हमारे लिए बहुत जरूरी है। वाई? टू रिलीव अवर साइकोलॉजिकल स्ट्रेस। हमारे लिए फिजिकल एक्टिविटी करनी बहुत ही जरूरी होगी, ठीक है बेटा, ये करना बहुत जरूरी है। उसमें नो डाउट जॉगिंग है, रनिंग है, वॉकिंग है, टॉकिंग है, घर के काम करो, वो भी हमें एक अच्छा रूप देते हैं, और टेस्ट दो जो क्लास के टेस्ट हैं, क्योंकि ये तुम्हारी फिजिकल डेवलपमेंट के साथ साथ क्या करेंगे, मेंटल डेवलपमेंट में भी हेल्पफुल होंगे। राघव धवन इज प्रेजेंट, इज ही प्रेजेंट राघव धवन? यस मैम। सुन रहे हो बेटा, आपकी मेरे को पिक देखनी है, एक बार ही ऑन करके दिखाओ, ठीक है। जापान, यू आल्सो, ये है हमारी फिजिकल एक्टिविटीज, और हमारी फिजिकल एक्टिविटीज का होना बहुत जरूरी है। इसलिए अगर अभी भी आप कुछ कर रहे हो